हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की रेसिपी में होने वाला है पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पालक लिया है, जिसको मैंने कट करके बॉईल कर लिया है। मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिया ताकि स्मेल निकल जाए। और सारे मसाले मैंने पीस कर रख लिए हैं, प्याज, टमाटर, पालक और खड़े मसाले मैंने लिए हैं इसमें। और प्याज और अदरक का भी मैंने पेस्ट ले लिया है, हरी मिर्ची। और मसाले में मैंने लिया है नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हींग ली है मैंने, और जीरा और अजवाइन लिया है, और क्रश पनीर लिया है मैंने, और मैंने क्यूब करके कट कर लिए हैं 200 ग्राम पनीर के। अब चलिए हम बनाना करते हैं शुरू। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें जाएगा जीरा और अजवाइन, ये भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों को भी भून लेते हैं। अब इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। स्लो गैस पर मसाले भूनते हैं और प्याज का पेस्ट भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, 2 मिनट तक पकाएंगे। हींग भी मैंने डाल दी है इसमें। हींग मैं सभी सब्जियों में डालती हूँ। मसाले हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं और ब्राउन कलर के बिल्कुल हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटो प्यूरी, मिक्स करेंगे उसको, 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब देखिए हमारी टमाटो प्यूरी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसी बीच हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। मिक्स करेंगे इसको और मैंने गरम मसाला भी इसी में डाल दिया ताकि मसाला इसमें अच्छे से पक जाए और सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाए। देखिए मसाले हमारे पक चुके हैं, ऑयल भी रिलीज हो चुका है। और अब हम डालेंगे इसमें पालक, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और स्लो गैस पर ही सारे हमें भूनने हैं मसाले। देखिए अब इसमें मैं डालूंगी क्रश पनीर। क्रश पनीर मैं इसलिए डालती हूँ कि जो पालक की जो ये ग्रेवी तैयार हुई है, ये ऐसे पनीर डालने से वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर हम इसमें डाल देंगे कट किया हुआ पनीर, वो भी अभी डाल देती हूँ इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। देखिए इसको गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।